ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं और कैप्शन देख के आप समझ गए हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आपका मिशन क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके जो एंजल्स हैं, जो गाइड्स हैं, ठीक है, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं अपने पर्पस की तरफ विदाउट एनी फियर या ब्लॉकेजेस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द एरीज, और देखते हैं कि आपका क्या पर्पस है लाइफ में, किस लिए आप आए हैं यहाँ इस दुनिया में, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो भी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द एरीज। ओके, डू इट फॉर यू एरीज। इट्स जस्ट अबाउट दैट आपकी लाइफ में, एरीज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका लाइफ का जो पर्पस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग नंबर 5, खुद को चेंज करने के लिए। इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट यू ओनली, ठीक है, कि आप अपने आप को चेंज करना है। आपके जो भी कोई फ्लॉज हैं वो आप ठीक करने आए हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ने आए हैं। इट्स जस्ट अबाउट दैट। डू इट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए कीजिए। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी चीज़ में रिकवर कर रहे हैं, चाहे कुछ भी है, डू इट फॉर योर सेल्फ। और दूसरा, ये वी हैव दैट एनर्जी ऑफ हियर शार्क, स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। कोई ऐसा कुछ भी है आपकी लाइफ में, कोई भी यू नो आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है या कुछ है, आपको लगता है कि नो इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर यू, सो मूव अवे फ्रॉम दैट। बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आप उस चीज़ से दूर हो जाएं अपनी लाइफ में। आई एम गेटिंग दैट एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आएंगे बिकॉज यू आर वेरी गुड लुकिंग, और मे बी इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी इन दैट एटमोसफियर, हेल्दी एटमोसफियर में अपने आप को रखिए, ठीक है। सो येस, स्टे अवे फ्रॉम पीपल, सिचुएशन जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपका यही पर्पस है दैट यू मेंटेन योर सेल्फ, यू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ना। कुछ भी है, जो भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना स्नो है, बट वो जो लेडी है वो अपने आप को यू नो लाइक उस स्नो में एक सन ड्रेस पहने हुए। तो इट्स जस्ट दैट कि रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ, जो भी सिचुएशन है, जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सिचुएशन है, ठीक है, जस्ट अपने लिए कीजिए, जो भी कीजिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। व्हाट एल्स, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक रेवोल्यूशन, इट्स अबाउट प्रोटेस्ट। आप चाहे तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है। यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो यू नो लोगों से कनेक्ट करते हैं, इट्स अ गुड एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। प्रोटेस्ट, आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है, चेंजेस, मेकिंग चेंजेस। एंड देखिए, यहाँ से आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, और योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस, ठीक है। यहाँ से यहाँ का सफ़र बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है एरीज़ के लिए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है, आपको अपने आप को उन लोगों से दूर करना है जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। इट्स जस्ट दैट। तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, यू नो आप देख सकते हैं कि यहाँ आप देखिए सिचुएशन क्या है, और यहाँ आप देखिए, ठीक है, कि वो जो क्वींस बैठी हैं अपनी थ्रोन पे, तो सच अ वंडरफुल एनर्जी इट इज़, ठीक है ना। तो गो फॉर इट, आई थिंक। बस जस्ट एक बात का ध्यान रखिए कि टॉक्सिक नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक पीपल, सिचुएशन, उनसे दूर रहिए। देख लेते हैं फॉर ऑल द एरीज क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स, ठीक है। प्रोटेस्ट मतलब आपको उसके लिए स्टैंड लेना होगा, आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को उस जोन में लाना होगा, तभी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक कुछ भी हो, अगर आपको कुछ चेंज, अगर रेवोल्यूशन लाना है, तो आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो नो, उसके लिए आप स्टैंड लीजिए, ये चीज़ है। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में ही यू नो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें, नो, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं फॉर ऑल द एरीज। चलिए, ओके, सो वी हैव कंप्लीशन हियर।
धीरे धीरे स्लोली स्लोली आई थिंक बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे. मुझे ऐसा लग रहा है सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग कंप्लीट इन योर लाइफ. कंप्लीशन हो रहा है, चेंज आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में अपने आप. आई थिंक यहाँ पे हमारे पास देखिए थर्ड आई चक्रा है, ओपनिंग अप ऑफ थर्ड आई चक्रा. कंप्लीशन इसका मतलब ये कि कुछ मिसिंग पीसेस थे, ठीक है, और आपकी लाइफ में धीरे धीरे वो कंप्लीट हो रहा है और आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं. सो गुड एनर्जी. ये मत सोचिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है, ठीक है. आप ये सोचें कि हाँ कि नहीं 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 कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब आप इतनी एज हो गई है वो, तो ये सोचना गलत है. हर चीज़ का एक टाइम होता है. और अगर आप ये सोचें कि सिर्फ बैठे रहें और डिले करते रहें चीज़ों को और कुछ नहीं करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है. सो इट्स अबाउट बैलेंस, ठीक है ना. अपनी तरफ से दोनों चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेंगी. तो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज. आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा रीडिंग कैसी लगी. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विथ अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.